नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक, आज आप सभी लोगों के लिए जीके पार्ट 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है यह हमारा? यह हमारा चंबल नदी पर है। कौन सा बात पूछ रहा था? यह हमारा पूछ रहा था गांधी सागर बांध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे विषैली मछली है कौन सी मछली है? तो वह हमारी स्टोन मछली है। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह हमारा शिमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शिमला में। अगला क्वेश्चन है हमारा 5। कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है? तो वह हमारा कर्नाटक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है नोट, शंकर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? कौन सा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह हमारा मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा 8। भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो यह हमारा है कनाडा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है यह संबंधित है राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जनक से संबंधित है। तो वह कौन थे? प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। अगले तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10। शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते? कौन सी ग्रंथि है? तो वह हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है या ग्रंथि होती है? तो यह हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। नोट,
शंकर स्टडी पॉइंट व्हाट्सएप 7380800644, टेलीग्राम शंकर स्टडी पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11। 11 क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्कन पर विजय हासिल की थी। तो किस पर हासिल की थी? तो इन्होंने चंद्रगुप्त, कौन सा शासक था वह हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थी, मौर्य शासक की। ठीक, और सबसे पहले दक्कन पर विजय हासिल की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो यह हमारा अमेरिका का था। कहाँ का था? यह हमारा अमेरिका का निवासी था, वास्को डिगामा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा देश सांबा डांस, कौन सा डांस पूछ रहा है? सांबा डांस के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा देश है वह हमारा देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? यूकेलिप्टस उसका नाम था, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, सिस्टीन। किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे? क्या थे? बंदी, इसको बोलते हैं गुलाम थे। तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा क्या थे? गुलाम थे। सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कौन से सिक्के? सोने के सिक्के सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो वह हमारे किए गए थे गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में यह जारी किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन, कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वह थे लॉर्ड कर्जन। कौन था वह? लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन, क्या पूछ रहा है? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया ये पूछ रहा है इसमें। तो कब लागू किया गया था हमारा यह हमारा किया गया था 20 जून
1951 में कब किया गया? 20 जून 1951 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 20। भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा मूंगफली क्या करता है? सबसे ज्यादा मूंगफली मूंगफली उत्पादन करता है। तो वह कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन किया जाता है? तो वह कौन सा राज्य है हमारा? वह हमारा गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। तो आज ये जीके के पार्ट 10 के 20 क्वेश्चंस थे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।